आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहा तनाव पिछले दो साल से जारी है और इसके सुलझने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। इस बीच चीन के मंसूबे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर निशाना साधने की है। हिंद प्रशांत महासागर में शीत युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं जिसने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। ड्रैगन इन दिनों कई ऐसे कदम उठा रहा है और साथ ही बॉर्डर के पास ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे पड़ोसी मुल्कों की चिंता बढ़ गई है, जिनमें मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में देखिए कि बीजिंग कैसे अपनी नापाक हरकतों से अन्य देशों को परेशान कर रहा है, क्यों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बीजिंग की हरकत से तनाव बढ़ रहा है, भारत कैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मदद करेगा। इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चीन की चाल, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया बेहाल, फिर नई रणनीति के साथ लौटा ड्रैगन। चीन की दादागिरी पर लगेगा अंकुश। चीन की पैतृबाजी से चिंता में कई देश। हिंद प्रशांत महासागर में शीत युद्ध के आसार। चीन की चाल से पूरा विश्व वाकिफ है। हमेशा चीन विश्व में तनाव का माहौल बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तिगड़म करता ही रहता है। क्वाड और ऑक्स सुरक्षा समझौते से चिंतित चीन ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान सहित कई देशों को घेरने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए ड्रैगन हिंद प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के करीब स्थित 10 देशों के साथ सुरक्षा समझौता करने जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोलोमन द्वीप के साथ बेल्टस एंड रोड और सुरक्षा डील से शुरुआत भी कर दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोलोमन द्वीप की यात्रा को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन के इस कदम से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही तनाव में आ गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। दरअसल ये सभी द्वीप हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत अहम भू राजनीतिक महत्व रखते हैं। प्रशांत महासागर के सभी द्वीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर में स्थित है। ये वही जगह है जहां से अमेरिका के गुआम द्वीप से ऑस्ट्रेलिया के बीच जंगी जहाज गुजरते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इस बात से चिंतित है कि दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रुख अपना रहा चीन अब अपनी पहुंच को प्रशांत महासागर में बढ़ा रहा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये प्रस्तावित कानून प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों में चीन के साथ रिश्तों को लेकर बहुत समर्थन हासिल कर पाएगा। दो महाशक्तियों के बीच ये द्वीपीय देश अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रशांत क्षेत्र के 22 अन्य नेताओं को भेजे एक पत्र में मिक्रोनेशिया के राष्ट्रपति डेविड पनुएलो ने कहा है कि ये मसौदा प्रस्तानव प्रशांत द्वीपीय देशों को बहुत करीब से चीन के पाले में ला देगा। उन्होंने कहा है कि इससे प्रशांत द्वीपीय देशों की संप्रभुता भी प्रभावित होगी। सबसे बढ़कर इस समझौते पर हस्ताक्षर करते ही चीन बनाम पश्चिमी देशों के बीच नया कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। हालांकि चीन ये दावा कर रहा है कि उसकी सोलोमन द्वीप में कोई सैन्य अड्डा बनाने का इरादा नहीं है। सोलोमन द्वीप ऑस्ट्रेलिया से मात्र 1600 किलोमीटर दूर है। चीनी विदेश मंत्री भले ही कुछ भी दावा करे, लेकिन ये आशंका पैदा हो गई है कि चीन अपनी सेना को सोलोमन द्वीप भेज सकता है और सैन्य अड्डा बना सकता है। ऑस्ट्रेलिया को ये चिंता सता रही है कि अगर चीन सोलोमन द्वीप तक पहुंच गया तो ये उसके लिए खतरे की घंटी होगी। क्वाड बैठक के बाद चीन के इस कदम को उसकी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नज़र चीनी विदेश मंत्री की यात्रा पर टिकी है। खासकर सोलोमन द्वीप पर चीन की दिलचस्पी से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक सोलोमन द्वीप पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बेल्टा एंड रोड परियोजना शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया।
चीन और प्रशांत महासागर के 10 देशों के बीच बने मसौदा प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रशांत महासागर के ये देश सुरक्षा निगरानी, साइबर सुरक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में काम करेंगे। इस मसौदा प्रस्ताव पर चीन प्रशांत द्वीपीय देशों के विदेश मंत्रियों ने चर्चा होने की अपेक्षा है। ये बैठक फिजी में अगले सप्ताह होने जा रही है। चीनी विदेश मंत्री 10 क्षेत्रीय देशों के दौरे पर पहुंचे हैं। इन सब के बीच भारत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए रक्षक के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। चीन अपनी चाल से बाज तो नहीं आएगा, लेकिन भारत हमेशा से ही चीन की चाल का जवाब देता आया है। यही वजह है कि जहां ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में चिंता की स्थिति पैदा हुई है, वहीं भारत ने ठान रखा है कि अपने करीबी देशों की मदद के लिए शीत युद्ध के दौरान आगे ज़रूर आएगा। दूसरी तरफ चीन भारत की ढाल देखकर अपने कदम दोनों देशों से ज़रूर हटाएगा, क्योंकि भारत में चीन से आयात का कार्य सबसे ज़्यादा किया जाता है और चीन अपना व्यापारिक नुकसान नहीं कर सकता है। इस वक्त चीन की इकोनॉमी भी डगमगाई हुई है। ड्रैगन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में हिंद प्रशांत महासागर में शीत युद्ध का खतरा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत अपने करीबी देशों का साथ देने के लिए पूरी निष्ठा से आगे आया है। अब देखना यह है कि दोनों देशों के बीच बढ़ता ये तनाव और चीन का ये बार आगे क्या मुश्किलें खड़ी करेगी। फिलहाल हमारे आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।